नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल जी के आर्ट में। तो दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ एक रियलिस्टिक कॉफ़ी कप और कलर मैंने लिया है प्राइमरी रेड। और दोस्तों, कलर फिल करने का जो मेरा डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। दोस्तों, मैं पहले बिल्कुल हल्के हाथों से कलर का अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रेशर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और अभी मैंने लिया है डीप येलो। और फिर से मैंने लिया है प्राइमरी रेड। और दोस्तों, मैं धीरे धीरे कलर को डार्क करते हुए जा रहा हूँ। दोस्तों, कलर्स को मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से। आप चाहो तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कलर के साथ कलर को भी ब्लेंड कर सकते हो थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करके। तो दोस्तों, मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ प्राइमरी रेड और हैंडल में दोस्तों सेम प्रोसेस ही है। पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ प्राइमरी रेड और उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी डीप येलो। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि हैंडल में मैंने थोड़ा सा एक वाइट जगह छोड़ा हुआ है वो हाईलाइट के लिए, और थोड़ा सा मैंने पिंक भी यूज़ किया है हैंडल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे डार्क करते हुए जा रहा हूँ कप को। और अभी कॉफ़ी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन। और उसके ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्राइमरी रेड। दोस्तों, बबल्स में भी मैं सेम कलर यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ। और जो वाइट पोर्शन मैंने छोड़ा था वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ येलो ऑकर। दोस्तों, फिर से मैं ब्राउन के ऊपर प्राइमरी रेड कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और अभी मैंने लिया है वाइट। और कॉफ़ी कप के जो अंदर का पोर्शन है वहाँ पे मैं वाइट कलर का अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, कलर अप्लाई करते टाइम आपको शेप की तरफ भी ध्यान रखना है ताकि शेप ठीक रहे। और अभी मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा ग्रे कलर। दोस्तों, फिर से मैं प्राइमरी रेड लेकर कलर को और डार्क करते हुए जा रहा हूँ। और हैंडल में हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट। और अभी दोस्तों, मैं डीप येलो को थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करके यूज़ कर रहा हूँ। हैंडल में भी सेम तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और कॉफ़ी में दोस्तों, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक। ताकि एक रियलिस्टिक लुक आ सके। और बबल्स में भी मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, फिंगर्स की मदद से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। जब आप ब्लेंड करोगे तो ध्यान रखना कि नीचे का वाइट जो पोर्शन है उसमें कलर ना आ जाए ऊपर से, थोड़ा सा
सावधानी रख के आप ब्लेंड करना दोस्तों। और कप में मैं शेडो के लिए यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन। दोस्तों पेपर जो मैंने यूज़ किया है बहुत ही एक साधारण सा पेपर है, नॉर्मल चार्ट पेपर है, क्योंकि दोस्तों ये ट्यूटोरियल्स बिगिनर्स के लिए है, तो मैं बस एक नॉर्मल चार्ट पेपर ही यूज़ कर रहा हूँ, ताकि बिगिनर्स को ऐसा ना लगे कि रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए एक्सपेंसिव पेपर ही ज़रूरत है, एक्सपेंसिव पेपर होने से रियलिस्टिक ड्राइंग अच्छा होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप साधारण सा पेपर पे भी अच्छे से रियलिस्टिक पेंटिंग बना सकते हो, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा और आपको स्किल्स को डेवलप करना होगा। तो दोस्तों क्योंकि कप के अंदर का कलर वाइट है और पेपर भी वाइट है, इसीलिए मैं बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा हूँ फ्लैश टिंट कलर, ताकि कप का जो शेप है वो अच्छे से बाहर आ पाए। और शैडो के लिए कप के नीचे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन। फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा ब्लैक। और डार्क ब्राउन। तो दोस्तों ये रहा रियलिस्टिक कॉफ़ी कप, कंप्लीट हो गया। और आप लोग घर में प्रैक्टिस करो और कमेंट में मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं फिर आऊँगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।